नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सॉफ्टामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का यहाँ पे हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो उज्बेकिस्तान की एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे बोल सकते हो, उसके रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे अंदिजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं अंदिजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। अंदिजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो लोकेटेड है अंदिजान सिटी के अंदर। अगर यहाँ पे अंदिजान सिटी की बात करेंगे तो ईस्टर्न उज्बेकिस्तान के अंदर आया हुआ ये सिटी है, और उसका लोकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो किर्गिस्तान की बॉर्डर के काफी ही नजदीक आया हुआ है ये। यहाँ पे अगर अंदिजान की दूसरी बात करेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिटी है ये, और इसका अगर टोटल एरिया देखेंगे यहाँ पे हम लोग तो 74 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 29 स्क्वायर माइल के आसपास का आपको देखने को मिलता है यहाँ। यहाँ पे अगर हम लोग अंदिजान की टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे करीबन 4.5 लाख तक की आपको देखने को मिलती है। अंदिजान को यहाँ पे फरगाना जो वैली है उसका सबसे पुराने सिटी में से एक सिटी माना जाता है। यहाँ पे अंदिजान की अगर क्लाइमेट कंडीशन की बात की जाए तो क्लाइमेट कंडीशन के अंदर यहाँ पे आपको मिक्स एटमोसफेयर देखने को मिलता है। यहाँ पे जून से अगस्त के दरमियान अगर हम देखेंगे तो उसे आप समर टाइम बोल सकते हो, जहाँ पे टेम्परेचर 32 टू 35 सेंटीग्रेड के आसपास देख सकते हैं आप। और अगर वहाँ पे विंटर की बात करेंगे तो दिसंबर से फरवरी तक का जो टाइम रहता है वहाँ पे टेम्परेचर -5 to -8 के आसपास दिखता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अंदिजान अगर पहुँचना है तो कैसे पहुँचा जा सकता है। तो अंदिजान की बात करेंगे तो इंडिया से अगर अंदिजान का डिस्टेंस देखते हैं हम लोग तो करीबन 3000 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है ये टोटल। यहाँ पे अगर इंडिया से अंदिजान पहुँचना है आपको तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। आपको इंडिया में दिल्ली से या मुंबई से या तो फिर अहमदाबाद से ताशकंद जाना रहेगा, और यहाँ पे जो ताशकंद कैपिटल सिटी है वहाँ से आप बाय रोड, बाय ट्रेन या तो फिर बाय आप अंदिजान जा सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली से ताशकंद तक का जो ड्यूरेशन लगता है आपका करीबन 8 से 10 घंटे का टाइम लगता है आपका, और ताशकंद से अगर आप बाय फ्लाइट जाते हो तो वहाँ पे 1 घंटा या 1.25 घंटे के आसपास का टाइम लगता है, और अगर वहाँ पे बाय रोड या बाय ट्रेन जाते हो अंदिजान तो वहाँ पे आपका 6 से 7 घंटा लग रहा है। और यहाँ पे ये ड्यूरेशन बढ़ भी सकता है अगर आपका बीच में ले ओवर टाइम ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे अगर लोग दिल्ली से या मुंबई से अवेलेबल फ्लाइट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एयर अस्ताना की फ्लाइट अवेलेबल हो जाती है, उसके अलावा आपको यहाँ पे फ्लाई दुबई की फ्लाइट भी मिल जाती है, उसके अलावा आपको यहाँ पे इतिहाद एयरवेज है वो भी अवेलेबल हो जाती है, उसके अलावा आप अमीरेट्स की बात कर सकते हैं या फिर एयर इंडिया की कुछ कनेक्टेड फ्लाइट्स भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है। तो फ्लाइट के बारे में कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ पे अगर हम लोग कॉलेज की बात करेंगे तो कॉलेज का जो नाम है यहाँ पे वो अंदिजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और इसका जो एकेडमिक अफिलेशन है वो है अंदिजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ। कॉलेज का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की हम लोग बात करेंगे तो करीबन 1955 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम है जनरल मेडिसिन के लिए वो करीबन 2001 के अंदर शुरू हुआ था। यहाँ पे कॉलेज के पास हर एक प्रकार का एक्रेडिटेशन अवेलेबल है, लाइक यहाँ पे अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो MCA या NMC से एक्रेडिटेड है ये कॉलेज, उसके अलावा अगर US की बात करते हो आप तो ECFMG से एक्रेडिटेड है जो कि दूसरी कंट्रीज लाइक कनाडा और गल्फ कंट्री के लिए भी मान्यता रखता है, उसके अलावा GMC से भी एक्रेडिटेड है, उसके अलावा न्यूजीलैंड की जो एक्रेडिटेशन रिक्वायर्ड है वो भी यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल से भी अप्रूव्ड है एंड UK मेडिकल काउंसिल यानी कि GMC से भी एक्रेडिटेड है। तो एक्रेडिटेशन के बारे में भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम लोग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो फुल्ली इंग्लिश मीडियम कोर्स में यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है। कॉलेज की अगर फीस की बात करेंगे यहाँ पे तो कॉलेज के अंदर आप ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस या फिर फूड एक्सपेंसेस हर एक प्रकार की चीज़ इंक्लूड करके चलते हैं, तो यहाँ पे आपका 6 साल का जो बजट है टोटल वो करीबन 28 से 30 लाख के बीच में लगना है। यहाँ पे अगर कॉलेज के एडमिशन इनटेक की बात की जाए तो यहाँ पे मई जून के अंदर आपका यहाँ पे एडमिशन इनटेक प्रोसेस शुरू होता है, और सितंबर में यहाँ पे आपका पढ़ाई शुरू होता है, यानी कि पूरे साल का यहाँ पे एक ही इनटेक अवेलेबल है। अगर यहाँ पे सॉफ्टामो ओपिनियन की बात की जाए कॉलेज के बारे में कि सॉफ्टामो का इस कॉलेज के बारे में क्या मानना है,
तो ये एक रेप्यूटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट है उज्बेकिस्तान का, जो काफी ही पुराना भी माना जा सकता है। पुराना होने की वजह से यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस अवेलेबल है, जो कि आपको मेडिकल एजुकेशन के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए ये अच्छा खासा काम लगता है। इतना पुराना इंस्टीट्यूट होने की वजह से यहाँ पे आपको क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे पढ़ाई कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में करवाई जाती है, तो लैंग्वेज का भी बैरियर आपको यहाँ पे नहीं रहता है। दूसरा, अगर कंपेयर टू अदर कंट्री या तो फिर इंडिया की प्राइवेट इंस्टीट्यूट की हम लोग बात करेंगे, तो उसके कंपेरिजन में बजट वाइज भी काफी ही आपको इकोनॉमिकल रहता है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट पुराना होने की वजह से वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा डेवलप देखने को मिलता है, तो इक्विपमेंट या दूसरा हॉस्पिटल फैसिलिटी वो यहाँ पे काफी ही बेहतर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सोफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज क्यों आपका फर्स्ट चॉइस हो सकता है फॉर द एडमिशन पर्पस। तो इसके बहुत सारे कारण हैं यहाँ। तो यहाँ पे अगर आप सोफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज से एडमिशन ले रहे हो, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल हो सकता है। लाइक यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड ईयर की आपको इंडियन ऑथर की बुक्स प्रोवाइड की जाती है, उसके अलावा अपडेटेड वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके अलावा आपको सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड किया जाता है, और उसके अपडेटेड ईबुक्स जो भी अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, वो हर एक प्रकार का ईबुक्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, और इसका यहाँ पे आपसे कोई भी प्रकार का एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाता है। उसके अलावा अगर आपका ड्रीम यूएसए या यूके जाने का है पीजी के लिए, या तो फिर जर्मनी जाने का है, तो वहां पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपका देखते हुए क्या प्रिपरेशन आपको करना जरूरी है, उसके लिए कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे सोफ्टामो एजुकेशन कंसल्टेंट जो है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट से अप्रोचिंग रखता है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं स्टूडेंट का वीकनेस जानने के लिए, और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि आपकी वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जाए और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। दूसरा, यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन रहता है, जिसके अकॉर्डिंग कुछ भी न्यू अपडेट्स रहता है मार्केट के अंदर या मेडिकल फील्ड के अंदर, तो उसके रिगार्ड इन्फॉर्म किया जाता है स्टूडेंट को। यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल प्रिपेयर होता है, यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट जो मेडिकल फैकल्टीज रहते हैं उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो इतने सारे बेनिफिट होने की वजह से आप सोफ्टामो एजुकेशन सर्विसेज को ऑलवेज फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। उसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो एडमिशन के रिगार्डिंग या यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के रिगार्डिंग, तो आप दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे वेबसाइट के ऊपर चैट सेक्शन अवेलेबल है, एज वेल एज व्हाट्सएप नंबर भी वहां पे अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको मेल करना है, मेल के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमको मेल के ऊपर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दूसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, जहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके बेस पे आपको इंडिया के अंदर या फिर अब्रॉड के अंदर आने वाली कोई भी अपडेट्स होगी, तो उसकी रेगुलर यहाँ पे आपको अपडेट्स दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले। तो फिर से मेरा निवेदन है दोस्तों आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी बेनिफिट मिल पाए। तो यहाँ पे आपकी अच्छी सेहत एंड अच्छे करियर की शुभकामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।